तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दो पाई चार्ट यहाँ पे बने हैं। पहला पाई चार्ट इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस और उनमें कौन से ब्रांच में कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसका डेटा है। दूसरा पाई चार्ट इंडिकेट कर रहा है द स्टूडेंट्स प्लेइंग स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स। वहां पे भी दोनों केस में देखेंगे तो परसेंटेज में बात हो रही है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज और इंस्टीट्यूट इज 2500। उनके बेसिस पे 3 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो आप इन दोनों फिगर को अच्छे से स्टडी कर लो, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि नीचे में आप पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इफ 10% ऑफ सिविल स्टूडेंट्स, 20% ऑफ मैकेनिकल स्टूडेंट्स एंड 12% ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ऑल दीज ब्रांचेस इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हर ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे 3 ब्रांच की बात हो रही है, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इनके 10, 20 एंड 12 रेस्पेक्टिवली स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की तो बात बाद में है, पहले हमको ये पता करना जरूरी है कि कौन से ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स है। तो वो कैसे निकाले, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग वो कैसे निकलेगा। सिविल में देखा जाए पाई चार्ट में, तो पाई चार्ट में 12% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिविल को। तो 12% ऑफ 2500 इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन सिविल इंजीनियरिंग, जो कि आता कितना, 300, ओके। दूसरा मैकेनिकल, मैकेनिकल में कितने स्टूडेंट्स है देखा जाए 20% 20% ऑफ 2500 00 will get cancelled, 25 into 5, 25 into 2, 50, और ये 0, 500, 500 students. Similarly, electrical में कितने हैं? Electrical में कितने students हैं? देखा जाए तो 22% है, तो 22 divided by 100 into 2 5s over 0, तो answer आता है 550. ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन दैट ब्रांच है। उनमें से स्पोर्ट्स खेलने वाले कितने हैं, स्पोर्ट्स खेलने वाले नहीं कितने हैं, नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स वाले, सिविल के 10%। तो सिविल के 10% 10% ऑफ सिविल आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स प्लस 20% ऑफ मैकेनिकल आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स प्लस 12% ऑफ इलेक्ट्रिकल। अब देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले तीनों ब्रांचेस में टोटल स्टूडेंट्स कितना वो काउंट किया। अब सिविल में जितने नॉट इंटरेस्टेड है उनका डेटा, सिविल, ये मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रिकल, ठीक है, हमारे पास ये 3 डेटा है। पर फाइनल क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज नंबर, एवरेज कितना आएगा, फिर एवरेज कैसे आएगा, 3 ब्रांचेस से इसलिए डिवाइडेड बाय 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 385। अगर आपको इसका सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत जा रही होगी तो हमारा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर भी है, वहां पे आप ये सब समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट है, इफ 20% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच फेल एंड आउट ऑफ 60% आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, देन नंबर ऑफ फेल इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। अब ये क्वेश्चन में क्या है लॉजिक देखिए, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। अगर आपने परसेंटेज का नहीं देखा तो फिर से एक बार रिमाइंड करा तो देख लो, वहां पे हमने कैसा कुछ लिखा है, पॉज हो गया तरफ समझ। इफ 20% ऑफ स्टूडेंट्स इसे लो सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टेटमेंट है, इफ 20% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच फेल एंड आउट ऑफ 60% आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, देन the number of failed electronic students who are not interested in sports is what percent of total students who are not interested in sports। question padhne mein thoda dikkat ja raha hoga par question bada hi saral hai। percentage mein humne basic concept dekha tha, x is what percent of y, x divided by y into 100, to isi concept ke base pe wo question hai, to wo kaise solve kare। तो यहाँ पर हमको पहले x निकालना है, तो x कैसे निकलेगा, बोला है 20% of electronics, 20% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 20% फेल हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो 15% है, 15% ऑफ 2500 इतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में।
उसमें से 20% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। अब ये फेल स्टूडेंट्स में से 60% स्टूडेंट्स क्या है, नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, बराबर। तो ये हो गया x का वैल्यू। तो इसका अगर फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो आएगा कितना, 45। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली y, y क्या है यहां पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। अगर पाई चार्ट ठीक से देखेंगे, पाई चार्ट में दिखाया है कि 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। तो 15% ऑफ 2500, तो आंसर कितना आएगा, 375। अब फाइनली x का कितना परसेंट y है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे निकलेगा, therefore x by y into 100 is equal to 45 divided by 375 into 100। तो फाइनली इसका कैलकुलेशन आएगा क्या, 12%। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि जितने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में फेल हुए उसमें से 60% स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहते, वो कितना आया, 45। ये कितना परसेंट है उस चीज का, किसका, जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स से नहीं खेलना चाहते टोटल नंबर का। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज वर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स इज 375। तो ये परसेंटेज कितना हुआ, वही हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 3, if 50% of mechanical students and 40% of electrical students are interested in football, then what is their ratio? तो यहाँ पे देखिए, mechanical और electrical total number of students हमको कुछ ना कुछ दिया है, उसके बाद हमको ये find out करना है कि यहाँ पे football खेलने वाले students का ratio electrical के साथ कितना है। तो वो कैसे solve करें, सबसे पहले हमको mechanical में total number of students कितने हैं, 20% of 2500, बराबर। इसमें से 50% स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलना चाहते हैं, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग द फुटबॉल। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 22% ऑफ 2500। ओके, पर इनमें से टोटल 40% स्टूडेंट्स जो है दे आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग द फुटबॉल, तो ये हो गया इनका रेशियो। अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा व्हिच इज नथिंग बट 25:22। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सलूशन। फिर से एक बार समझ लेते हैं, 50% ऑफ मैकेनिकल स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल, 40% ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग द फुटबॉल, देन व्हाट इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये पैरामीटर क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट स्टडीइंग इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो 50% इंटरेस्टेड है फुटबॉल में, 40% इंटरेस्टेड है फुटबॉल में, तो उनका रेशियो फाइनली कितना आता है, 25:22।